आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो समझिए कि मैट्रिक की परीक्षा में आपको एक भी प्रश्न इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो आइए पहला नंबर प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है ए बराबर बी क्यू प्लस आर महत्तम समापवर्तक अर्थात एच सी एफ ए और बी का बराबर महत्तम समापवर्तक अर्थात एच सी एफ ये खाली स्थान है क्या होगा। यहाँ दो खाली स्थान है तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है। यहाँ कंडीशन होता है 0 <= r <b>। ये आप समझते होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो a और b दो संख्याएँ दी गई हैं इन्हीं का एच सी एफ निकालना होता है a और b का। तो यहाँ अगले स्टेप में क्या होता है b जो है a बन जाता है और r जो है यहाँ पर b बन जाता है। इसका मतलब है कि अब a और b का एच सी एफ वही होगा जो यहाँ a और b का है किंतु यहाँ a b चेंज हो चुका है a चेंज हो चुका है b से और b चेंज हो चुका है किससे r से। तो अर्थात ये जो यहाँ पर रिक्त स्थान है यहाँ होगा b कॉमा r। तो यहाँ a b c d d ऑप्शन होगा b कॉमा r। समझ में आ गया होगा कैसे होगा। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात है। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा यहाँ 625 तो हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। यहाँ हो गया 50 25 25 5 25 से और 125 में फिर 5 से गुणा करेंगे तो 625। तो यहाँ हो गया कितना 5 × 1 2 3 4 यहाँ 4 हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 का अधिकतम घात तो यहाँ आंसर होगा डी। 5 का अधिकतम घात यहाँ पे क्या आया है 4 तो आंसर क्या होगा डी होगा। तीसरा प्रश्न यदि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर सीधे ये सूत्र से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि एच सी एफ गुना एल सी एम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ये होता है। अर्थात एच सी एफ और एल सी एम में जब गुना करेंगे तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणनफल के बराबर होगी। अब यहाँ समझते हैं 25 है एच सी एफ और एल सी एम है 50 तो संख्याओं का गुणनफल अर्थात एच सी एफ गुना एल सी एम तो यहाँ हो जाएगा 25 × 50 गुना कर लेंगे 25 × 5 = 25 से 125 और ये हो जाएगा 0 1250। देखेंगे कौन सा विकल्प है तो यहाँ विकल्प ए है 1250 स्पष्ट है तो ये सही आंसर होगा तीसरा का। चौथा देखते हैं ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि इनका एच सी एफ बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें सह अभाज्य समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर सह अभाज्य का मतलब है कि वैसी संख्याएं जिनमें कोई संख्या उभयनिष्ठ न हो एक को छोड़कर जैसे 4 और यहाँ हो गया 25। देखिए ये कटने से मतलब नहीं होता है आप ध्यान रखेंगे सह अभाज्य में ठीक है। अब 4 कोई संख्या नहीं है जैसे 2 काटेगा 4 को लेकिन 2 25 को नहीं काट पाएगा 5 काटेगा 25 को किंतु 4 को नहीं। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे यहाँ कर लिया जाए 9 और यहाँ कर लिया जाए 16 तो
ये दोनों में कोई अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं का HCF एक के बराबर होता है, HCF जो होता है ऐसी संख्याओं का एक, क्योंकि एक तो उभयनिष्ठ होता ही है, तो वही इसका होता है। चौथा का लिखेंगे उत्तर बी, उत्तर हो जाएगा कौन सा, बी होगा। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि इनका HCF एक के बराबर है। ये पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि वह संख्या भिन्न के रूप में है तथा उसका हर 2 to the power n, देखिए यहां 2 to the power n या 5 to the power m या 2 to the power n into 5 to the power n के स्वरूप का हो। आइए चेक करते हैं, यहाँ है 3/8, तो हर है 8, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 to the power 3, तो यह 2 to the power n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और चेक करते हैं, यहाँ पर है 6/15, तो सबसे पहले कटा देंगे, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, तो ये है 2/5। अब 5 को चेक करते हैं तो ये 5 का पावर 1 है, अर्थात 5 to the power m के रूप में है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ 17/7 है, तो 7 को हम चेक करते हैं तो 7 क्या है, 7 का पावर 1 है, तो इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, न 2 to the power m के रूप में है, न 5 to the power m के रूप में है, और न ही 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, समझ में आ रहा होगा, यहाँ आंसर होगा ए और बी दोनों। अब 6th प्रश्न है, 12/7 एक कौन सी संख्या है। 12/7 ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक संख्या, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो 12/7 हम क्या जानते हैं, यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो जहां q ≠ 0, तो ये संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 12/7 यहां 12/7 जो है p/q के रूप में है और 7 जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ उत्तर होगा ए, परिमेय संख्या। अब 7th प्रश्न, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय के बात हो रही है, तो यहाँ पर है √9, बी है 5/3, सी है √13। तो देखिए यहाँ √9 है, तो यहाँ √9 क्या हो जाएगा, यहाँ है √9, तो √9 को हम 3 के बराबर लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर √9 अर्थात रूट में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वो अपरिमेय नहीं होती है, वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ये परिमेय हो गया, यहाँ 5/3 p/q के रूप में है तो स्पष्ट है कि परिमेय है, यहाँ √ जो 13 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये जो √13 है ये अपरिमेय होगा, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी √13। 8th प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या एक अथवा स्वयं को छोड़ के किसी से भी नहीं कटती है, अर्थात कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होता है एक को छोड़ के, तो सभी अभाज्य संख्याओं में एक उभयनिष्ठ होगा, और हम जानते हैं कि जो उभयनिष्ठ होगा वही HCF होता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी एक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF एक होगा, ये हम लोग याद भी रखेंगे। अब यहाँ 9th, 2 + √2 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर 2 है परिमेय संख्या और √2 है अपरिमेय संख्या, और हम जानते हैं
कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये हम लोग नाइन्थ में भी पढ़े हैं और टेंथ में भी इसका उपयोग है। तो यहाँ पर परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, उत्तर होगा बी अपरिमेय संख्या। अब 10 नंबर प्रश्न, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है? यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है? विकल्प ए है LCM, बी है HCF, सी है LCM और HCF दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात किया जाता है। यह HCF ज्ञात करने का एक तरीका है। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ च्वाइस पुस्तक लिखी है? विकल्प ए है जे कार्डन, बी है जेम्स बर्नुली, सी है एडी मोइवरे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखने वाली बात है, याद रखेंगे हम लोग कि यहाँ होगा जे कार्डन। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, 0.1111111333111333 ... है एक, अर्थात कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर दिया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और सम संख्या। तो यहाँ ये जो दशमलव प्रसार है अनवसानी अनावर्ती का दशमलव प्रसार है, क्योंकि कोई निश्चित अंक रिपीट नहीं कर रहा है इसमें। और हम जानते हैं कि यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो तो या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा, इसमें कुछ निश्चित संख्याएं रिपीट करती हैं। तो इसमें रिपीट नहीं कर रहा है एक निश्चित में, निश्चित रूप में, जैसे 1311 है तो इस बार है 3331 है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर 4 है, तो एक निश्चित रूप में ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार होते हैं। यहाँ आंसर होगा बी। 13 नंबर प्रश्न, संख्या 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल होगा? तो संख्याएं दी गई हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर समझा है कि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ संख्या दी गई है तो, और पूछा जा रहा है कि HCF और LCM का गुणनफल, अर्थात इतना बराबर क्या होगा। तो इतना बराबर पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या है 50। ये प्रश्न हमने इसलिए दोबारा दिया क्योंकि ये प्रश्न भी आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में। तो यहाँ हो जाएगा 1250। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा, यहाँ 1150 है, यहाँ 1250, तो विकल्प होगा डी 1250। अब प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2 बटा रूट 2, सी है 4 जोड़ रूट 5 और डी है अंडर रूट 6। तो वैसी संख्या जो अंडर रूट में हो वह अपरिमेय संख्या होती है, और इसमें पूछा जा रहा है कौन सी संख्या परिमेय है। तो यहाँ जो भी होगा वो अंडर रूट में नहीं होगा। देखिए ये रूट 3 ये तो अंडर रूट में है, बी पर विचार करते हैं, 2 रूट 2 बटा रूट 2, तो यहाँ कट जाएगा, क्या बचा 2। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी अंडर रूट 5 है, इसमें भी अंडर रूट 6 है और कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है विकल्प बी 2 रूट 2 बटा रूट 2, इसमें रूट 2 रूट 2 कट गया, तो जो यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर जो बचा है 2, ये अंडर रूट में नहीं है और इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे उत्तर होगा बी 2√2/√2। नंबर 15, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्याएं होती हैं? यहाँ है 0, 1, 2, अनंत। तो ये हम समझ लेंगे, नाइन्थ से ही समझते आ रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये होगा आंसर डी अनंत। अब 16 नंबर प्रश्न, LCM AB का गुना HCF AB का क्या होता है? तो यहाँ दिया हुआ है AB संख्याएं हैं, तो A बटा B, A गुना B,
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी आया हुआ प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा में। तो यहाँ हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एल सी एम गुना एच सी एफ, तो यहाँ एंसर हो जाएगा बी ए गुणा बी। 17 नंबर प्रश्न, 6/27 का दशमलव प्रसार होगा, यहाँ 6/27 है तो दशमलव प्रसार देखना है, चेक करना है। तो चलिए इसका दशमलव प्रसार चेक करते हैं, 6/27 तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 9 × 3 = 27 हो जाएगा 2/9। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2/3 × 3 इसमें 3 आ गया, तो किसी भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत न होके अनवसानी आवर्ती होगा। तो यहाँ पर शांत नहीं होगा, अनवसानी आवर्ती यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, तो बी आंसर होगा। अनवसानी अनावर्ती इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या अंडर रूट में नहीं है, और ये जो अनवसानी अनावर्ती है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, जबकि 6/27 परिमेय संख्या है। 18 नंबर प्रश्न, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। देखिए ये यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से समस्या है। यहाँ ए 0 <r> b, 0 <r> b, 0 <r> b, डी है 0 <r> b। तो यहाँ हम याद रखेंगे इसमें बड़ा ही मिस्टेक होता है, इसमें होगा 0 <r> b, क्योंकि r का मान b के बराबर कभी नहीं होता है, b से छोटा होता है। r 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, तो ये होता है कंडीशन 0 <r> b। अब 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखिए यहाँ सह अभाज्य के बारे में हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ है 15 20, दोनों में 5 उभयनिष्ठ है तो ये सह अभाज्य नहीं होगा। 9 16, एक के अलावा किसी भी संख्या से ये दोनों नहीं कटेगा। 13 और 52 पे विचार करें तो 13 चौका 52, ये 13 52 को काट देगा। 7 3 21, ये भी काट देगा। तो बी केवल एक ऐसा युग्म है जिसमें दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या एक को छोड़कर उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात किसी भी संख्या से 9 और 16 नहीं कटेगा। तो आंसर होगा बी 9,16। क्वेश्चन नंबर 20, वास्तविक संख्या में निहित होती है, अर्थात वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या होती है। ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है परिमेय और अपरिमेय दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, दोनों संख्याओं का उद्गम वास्तविक संख्या से ही हुई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन अध्याय 1 वास्तविक संख्या से है, और मैं आशा करता हूं कि आप यदि ये सभी 20 क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से मैट्रिक की परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप सारे के सारे प्रश्न कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।